दोस्तों, एक जापानी लड़का, वो अपनी माँ के साथ में जापान में बड़े ही खुशहाल तरीके से रहता है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता या कोई भी कष्ट और कोई भी बाधा नहीं होती है। लेकिन वो अपनी माँ से एक ही सवाल करता है, उसके मन में बस एक ही खटक सताता है कि माँ, मेरा जब से जन्म हुआ है, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को ही पहचाना है, अपनी माँ के ही चेहरे को देखा है, यानी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देखा है, मैं अपने पिताजी को नहीं देखा हूँ, मैं उनके चेहरे को नहीं पहचानता हूँ, कौन है मेरे पिताजी और कहाँ रहते हैं, यदि हमारे पिताजी हैं तो वो क्यों हमारे साथ में नहीं रहते हैं। दोस्तों, जब उसकी माँ यह बात सुनती है तो कहती है कि बेटा, तुम्हें क्या यही सवाल पूछने को रहता है, कोई और बात नहीं तुम पूछ सकते हो। उसकी माँ यह सुन करके रोने लगती है और कहती है कि बेटा, सही समय आने दो, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी कि कौन है तुम्हारे पिताजी और कहाँ रहते हैं। दोस्तों, अपनी माँ के लाख समझाने पर भी वो लड़का नहीं मानता है और वो पूरे जापान में घूम घूम करके अपने पिताजी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो अपने पिताजी को कहीं भी नहीं पाता है। फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पिताजी एक हिंदुस्तानी हैं, तो वो अपना पासपोर्ट निकालता है और वीजा निकलवाता है, एक टिकट निकालता है और वो झट से हिंदुस्तान आ जाता है। दोस्तों, कौन है ये जापानी लड़का जो उसका पिता एक हिंदुस्तानी होता है? यदि उसका बाप हिंदुस्तानी है तो कैसे उसकी माँ से उस हिंदुस्तानी मर्द का संबंध बनता है? आइए इस कहानी को इस वीडियो में पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपनी कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी जापान की एक सोफिया नाम की लड़की की है, जो सोफिया घूमने की बहुत ही शौकीन होती है, यानी कि वो जापान से नए नए देशों में, तरह तरह के देशों में उसे घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, एक दिन वो थाईलैंड जाकर के घूमने गई होती है और थाईलैंड में वो महीनों भर रहती है और थाईलैंड में जब उब जाती है तो वो थाईलैंड से ही भारत के लिए वीजा निकलवाती है और वो थाईलैंड के एयरपोर्ट पर बैठी हुई होती है, तभी उसी के बगल में एक लड़का आता है जिसका नाम सुखपाल होता है। दोस्तों, अब सुखपाल जैसे ही उसके बगल में बैठता है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और सुखपाल पूछता है कि आपका क्या नाम है और कहाँ जाओगी। दोस्तों, सुफिया कहती है कि मेरा नाम सुफिया है और मैं हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ, यानी कि भारत जाना चाहती हूँ और अमृतसर में जाना चाहती हूँ। दोस्तों, जो सुखपाल होता है वो कहता है कि क्या बात है, मैं भी अमृतसर पंजाब का ही रहने वाला हूँ, अगर चाहो तो हमारे साथ में चलो, मैं तुझे अमृतसर का सैर करा दूंगा और जहाँ जहाँ चाहोगी मैं तुझे अमृतसर में एक एक कोना कोना घुमा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद में दोनों में प्यार भरी बातें होने लगती है और दोनों जब फ्लाइट में बैठते हैं, यानी कि जब दोनों प्लेन में बैठते हैं तो दोनों का सीट एक ही बगल में होता है और दोनों बड़े ही प्यार भरी बातें करते हैं और ऐसे में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों, जो सुखपाल सिंह होते हैं वो जैसे ही अमृतसर पंजाब में जब उन वो लोग पहुंचते हैं तो उसके बाद में जो सुफिया होती है, सुफिया उस सुखपाल के सहारे पूरे अमृतसर का भ्रमण करती है और सुखपाल सिंह उसे अमृतसर में कोना कोना घुमा देते हैं और अपने ही घर पे उसे 15 दिन तक रखते हैं। दोस्तों, इसी बीच में सुफिया को उस सुखपाल से प्यार हो जाता है और सुखपाल सुफिया को बहुत ही ज्यादा चाहने लगे होते हैं और सुफिया भी सुखपाल को उतना ही चाहती है जितना सुखपाल सुफिया को चाहने लगे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद में इसी बीच में सुफिया और सुखपाल हिंदुस्तान के रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं और सुफिया कहती है सुखपाल से कि सुखपाल सिंह, तुम चल करके हमारे साथ जापान में रहो क्योंकि मैं एक जापानी लड़की हूँ। यह सुन करके सुखपाल कहते हैं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, अगर तुम चाहो तो क्या तुम हिंदुस्तान में नहीं रह सकती हो। दोस्तों, उसके बाद में
वो जो सूफिया होती है वो कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, मैंने तुमसे हिंदुस्तान की रीति रिवाज से शादी भी किया, तो तुम हमारे साथ जापान में रहो। दोस्तों उसके बाद में सुखपाल सिंह के घर वाले कहते हैं कि देखो बेटा, यदि तुम इस लड़की से शादी किए हो तो तुम चाहे हिंदुस्तान में रहो चाहे जापान में रहो, तुम्हें अपने परिवार के साथ में जिंदगी तो बिताना ही है। उसके बाद में जब घर वाले लाख कहते हैं तो वो सुखपाल सिंह जा करके अपनी सूफिया के साथ में जापान में रहने लगता है। दोस्तों जब सुखपाल सिंह जापान में रहने लगते हैं तो वहाँ का जो कल्चर होता है, वहाँ का जो वेशभूषा होता है और जो खाने पीने का रहन सहन यानी कि सारी व्यवस्थाओं को देख करके सुखपाल सिंह को जापान में कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वो कहते हैं कि देखो सूफिया, मुझे जापान में अच्छा नहीं लगता है, यहाँ का कल्चर नहीं अच्छा लगता है, मैं हिंदुस्तान अमृतसर पंजाब जाना चाहता हूँ। दोस्तों अब सूफिया को छोड़ करके वो सुखपाल सिंह अपने अमृतसर घर पे आ जाता है और सूफिया फिर जब आती है तो लाख मनाने लगती है, लेकिन सुखपाल सिंह नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब सूफिया लाख मनाती है तो सुखपाल सिंह उसके साथ में फिर से जापान जाते हैं और 3-4 साल रहने लगते हैं। जब 3-4 साल वहाँ पर रहने लगे थे तो इसी बीच में सुखपाल और सूफिया का संबंध बनता है और इसी बीच में सूफिया गर्भवती प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों उसके बाद में जब सूफिया प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे एक बेटा पैदा होता है और उसके बाद में फिर जब उन्हें अच्छा नहीं लगता है, यानी कि सुखपाल सिंह को फिर भी नहीं अच्छा लगता है, तो सुखपाल सिंह अपनी पत्नी सूफिया को तलाक दे देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हें हमारे साथ में रहना है तो तुम्हें हिंदुस्तान रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। दोस्तों अब सूफिया चाहती है कि सुखपाल सिंह जापान में रहे और सुखपाल सिंह सोचते हैं कि सूफिया हिंदुस्तान में रहे। दोस्तों यही जीत को ठान करके वो सुखपाल सिंह अपने घर पंजाब आ जाते हैं और सूफिया उनके द्वारा जो बच्चा हुआ था वो बच्चे को लेकर के अपने ही जापान में रहने लगती है। दोस्तों ऐसे ही कम से कम 19 से 20 साल बीत जाता है, लेकिन इधर सुखपाल सिंह एक गुरमीत नाम की लड़की से 20 साल पहले ही शादी कर लेते हैं और उस सूफिया को भूल जाते हैं और उसके बाद में उस जो गुरमीत नाम की लड़की होती है उसी से एक उनको बेटी हो जाती है। दोस्तों जब काफी अरसा बीत जाता है तो सुखपाल सिंह सोचते हैं कि सब कुछ तो सही हो गया है, अब सूफिया मुझे याद नहीं करती, वो मुझे फोन नहीं करती, मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ पंजाब में है क्योंकि वो पंजाब में उनका बहुत ही बड़ा खेती बाड़ी होता है। दोस्तों जब इधर सूफिया के द्वारा जो बच्चा हुआ है यानी कि सुखपाल के द्वारा जो सूफिया के पेट से बच्चा जन्म हुआ था वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। दोस्तों जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो अपनी माँ से केवल यही जिद करता है कि माँ मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी अगर हैं तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते और हमारे साथ में क्यों नहीं रहते हैं। दोस्तों जब वो अपनी माँ से लाख जिद करने लगता है तो उसकी माँ सोचती है कि सही वक्त आ गया है, अब अपने बेटे को मैं सारी सच्चाई बता देती हूँ। उसका बेटा कहता है कि माँ यदि मेरे पिताजी हैं तो तुम्हें तलाक क्यों दे दिए। यह सुनकर के उसकी माँ रोने लगती है और सारी सच्चाई जब अपने बेटे को बता देती है तो वो फौरन हिंदुस्तान आता है और अमृतसर पंजाब में पहुंचता है और लोगों से पूछता है, यानी कि उस गांव के नजदीक में जब पहुंचता है तो अपने पिताजी का 19 साल का फोटो लेकर के वो लोगों को दिखाता है तो सुखपाल सिंह की जो नजदीकी होते हैं वो कहते हैं कि ये तो सुखपाल सिंह का फोटो है। दोस्तों लोग उस लड़के को सुखपाल सिंह के घर तक ले जाते हैं और सुखपाल सिंह अपने घर के दरवाजे के ही सामने बैठे होते हैं और अपने बेटे को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं कि ये मेरा उस जापान का बेटा है, यानी कि मेरे उस सुखिया नामक पत्नी का बेटा है। दोस्तों यह देख करके सुखपाल की जो दूसरी पत्नी की बेटी होती वो भी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो कई मंदिरों में मन्नत मांग के आई थी कि मेरा जापानी जो भाई है वो जिस दिन आएगा मुझे इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। दोस्तों उसके बाद में इधर जब वो हिंदुस्तान में आकर अपने पिताजी
सुखपाल से मिलता है तो अपनी माँ को फोन करता है कि माँ मैं आज अपने पिताजी के पास पहुँच गया हूँ। यह सुनकर के उसकी माँ रोने लगती है और वो कोसने लगती, सोचने लगती है कि मैं भी अगर अपने बेटे के साथ में जाती तो मैं उनका दीदार कर लेती और उनका चेहरा देख लेती। दोस्तों इधर सुखपाल अपने बेटे को देख करके गले लगा लेते हैं और दोनों बाप बेटे रोने लगते हैं और बेटा एक ही सवाल करता है कि पिताजी मैं एक ही सवाल आपसे करूंगा कि आप हमारे माँ को छोड़ करके हमारी माँ को तलाक क्यों दिए और यदि तलाक दिए भी तो आप हिंदुस्तान क्यों आकर के बस गए। दोस्तों अब यह बात सुन करके सुखपाल सिंह कहते हैं कि बेटा मैंने कब तुम्हारी माँ को तलाक दिया, मैंने तो तुम्हारी माँ से यही कहा था कि तुम हमारे साथ हिंदुस्तान रहो। देखो बेटा क्योंकि मेरा कल्चर हिंदुस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी इंसान हूँ तो मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता था और तुम्हारी माँ जिद करके वो जापान में रहना चाहती थी, बस यही बात को लेकर के झगड़ा हो गया और मैं हिंदुस्तान आ गया और तुम्हारी माँ जापान में ही रहने लगी, तो इसमें मेरा क्या कसूर हो सकता है। दोस्तों वो जापानी लड़का जो अपने पिताजी से जब मिलता है तो कहता है कि बेट पिताजी मुझे एक बात और बताइए कि आप दोनों एक साथ हमारे, दोस्तों वो जापानी लड़का अपने बाप से कहता है कि पिताजी मेरी एक बात मानिए कि आप और मेरी माँ एक साथ कुछ दिनों तक रहिए, यानी कि मेरी माँ चाहे यहाँ आए चाहे आप वहां चल करके हमारे साथ में कुछ दिन बिताइए तो मुझे भी इस बात की खुशी होगी। दोस्तों यही बात करते हैं लेकिन वो सुखपाल सिंह कहते हैं कि बेटा ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने दूसरी भी शादी किया है और मैं यहीं पर अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। दोस्तों वो जो जापानी लड़का होता है वो इंडिया में ही यानी कि अमृतसर पंजाब में ही अपना सारा आइडेंटिटी कार्ड बनवाता है और अपने बाप के साथ में यहीं पर रह जाता है और अपनी माँ से कभी कभी मिलने के लिए जाता है और फोन पर बातें करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी, अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।